जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस से परमिशन ली कि हाफिज सईद का जो अकाउंट फ्रीज हुआ हुआ है उसको डी फ्रीज कर ले, ताकि हर मंथ वो 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए अपने जीवन यापन के लिए तथा उसके परिवार के जीवन यापन के लिए निकाल सके। अब देखिए, वैश्विक राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी क्रिया बिना किसी उद्देश्य के नहीं होती, तो यह भी जो हुआ है इसका भी उद्देश्य है। अब हम यदि उस उद्देश्य को एनालिसिस करें तो मुझे लगता है कि इसमें पाकिस्तान एक तीर से दो शिकार कर रहा है। सबसे बड़ा तो जो FATF की, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तलवार लटक रही है उसके सर पर, तो उनको एक संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि देखिए हम तो इतने सीधे कंट्री हैं, इतने शरीफ कंट्री हैं कि हाफिज सईद जैसे जो बड़ा आतंकवादी है उसको भी यदि 1.5 लाख 1.5 लाख रुपया महीने को निकालना है तो हम आपकी परमिशन के बिना नहीं करते, UN की। एक संदेश यह है कि दूसरा संदेश क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले यह समझना पड़ेगा हमको, क्या हाफिज सईद के लिए 1.5 लाख रुपया महीना कोई बड़ी रकम है? उत्तर है नहीं है। मैं कहता हूं 1.5 करोड़ रुपए भी उसके लिए बड़ी रकम नहीं है। मैं कहता हूं कि उसके लिए 15 करोड़ रुपए भी बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति इतना बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है उसके पास फंडिंग की कमी नहीं है, और उसकी जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर-ए-तैयबा, वह उसके बारे में तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि ज्यादातर एनालिस्ट जो हैं और जो पाकिस्तान पर दृष्टि केंद्रित रखते हैं उनका सबका मानना यही है कि यह तो ISI का एक्सटेंडेड आर्म है। तो मैं यही कहता हूं बार बार कि हाफिज सईद को आप एक नॉर्मल आतंकवादी मत समझिए, ISI के एक ऑफिसर की तरह ट्रीट कीजिए। तो उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑफशूट है ISI का, तो पैसा की उनको कोई कमी नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि फिर क्यों 1.5 लाख जैसी रकम को के लिए परमिशन मांगी गई? उसका एक जो कारण मुझे दिखता है कि बड़े व्यापक रूप से भारत पर कोई ना कोई आतंकवादी हमला करने के फिराक में है पाकिस्तान, ऐसा मुझे लगता है, और उसके लिए वह उपयोग कर रहा है हाफिज सईद के नेटवर्क का। अब भारत जैसे ही इस बात को एक्सपोज करेगा, चाहे वो इंटेलिजेंस के माध्यम से करे, जवाबी कार्रवाई करके करे, कुछ भी होता है, तो हाफिज सईद को प्रोटेक्शन देने के लिए पाकिस्तान ये कहेगा कि भारत गलत बोल रहा है, क्योंकि देखिए आप हाफिज सईद तो जो है उसको तो इतनी हमने जेल में रखा हुआ है, इतना नज़रबंद कर रखा है कि वो 1.5 लाख रुपया भी बिना UN की परमिशन के नहीं निकल पाता, तो भारत में आतंकवाद कैसे फैलाएगा? तो मुझे जो लगता है यह षड्यंत्र है, तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की ISI, वहां की जो ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, किसी बड़े हमले की फिराक में है, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि हमारा देश जो है वह गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी की सुरक्षा कवच में है, कोई भय की बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कृत्य क्यों किया? क्यों उसने हाफिज सईद के लिए प्रति माह 1.5 लाख रुपए निकालने के लिए परमिशन मांगी UN से? तो उसका जो मुझे उत्तर दिखता है एनालिसिस करके, तो वो यही निकलता है कि एक तो भारत के खिलाफ कुछ साजिश कर रहा आतंकवाद की, और हाफिज सईद को बचाने के लिए दर्शा रहा है कि हाफिज सईद अब खतरा किसी के लिए नहीं है, वो तो इतना ज्यादा नजरबंद है कि वो एक पैसा भी निकालेगा तो UN से पूछकर। दूसरा, FATF को भी एक संदेश देना चाहता है पाकिस्तान कि हम तो सुधर गए हैं बिल्कुल, और किसी आतंकवादी के लिए कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो वह आपकी परमिशन से होगा।
अब जहां तक एफएटीएफ का विषय है, देखिए भारत चाहेगा, हम चाहेंगे कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्टेड करें, लेकिन मैं एक बात कहता हूं जो मेरा एनालिसिस है कि यदि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में भी रहता है तो भी हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। वो क्यों? देखिए पाकिस्तान यदि ब्लैक लिस्ट में जाता है तो वो कटोरा पूरी तरह से हाथ में लेकर आ जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन यदि वो ग्रे लिस्ट में भी रहता है और ऑब्जर्वेशन होता रहता है उस पर, तो भी उसको बहुत कुछ दिखाना पड़ेगा दुनिया को कि मैं अच्छा बच्चा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। करेगा नहीं, लेकिन दिखाना पड़ेगा। वो तलवार लटकती रहेगी उसके सर पर, और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि गिरी हुई तलवार से ज़्यादा डरावनी होती है लटकी हुई तलवार। तो पाकिस्तान के लिए आवश्यक है तलवार लटकती रहे, हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसको ब्लैकलिस्टेड करें, लेकिन मैं तो दोनों तरफ बात कर रहा हूं कि जो भी होता है भारत के लिए विन विन सिचुएशन है, हमारा भला हर तरफ है। पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट होता है तो भी, और यदि ग्रे लिस्ट में रहता है तो भी तलवार सर पे उसके लटकी रहेगी। जय हिंद।